नमस्कार। कईयों का मानना है कि गुजरात के नतीजों ने नरेंद्र मोदी अमित शाह में चिंता पैदा की होगी। वे मन ही मन राजनीतिक अप्रोच को लेकर सोच रहे होंगे, लेकिन विजय रूपानी की फिर बतौर सीएम शपथ प्रमाण है कि कुछ नहीं बदला हिसाब से गुजरात में विजय रूपानी चुनावी पूंजी साबित नहीं हुए। गुजरात में नरेंद्र मोदी को बे इंतहा पसीना बहाना पड़ा। जाहिर है नरेंद्र मोदी अमित शाह के बनाए मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों में अपने बूते चुनाव नहीं लड़ा सकते। मोदी को पूरे देश में भाजपा को अकेले लोकसभा चुनाव लड़ाना होगा। सो राजनीति का सत्य है कि जो नेता जैसी सियासी तासीर लिए होता है वह उसी में बंधा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकला चलो, आत्ममुग्धता और अपने बूते सब कुछ के अहंकार को छोड़ नहीं सकते। इसी पर अब मेरी वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह से बातचीत है। दिलीप जी, कई लोग मानते हैं कि गुजरात में जिस तरह भाजपा 99 सीटों पर अटकी है उससे मन ही मन नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिंता में होंगे, कुछ बदलेंगे। क्या आप उनकी राजनीतिक तासीर को समझते हुए ऐसा संभव मानते हैं? अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद से जिस तरह से वो उनको कामयाबी मिली और जो झटके मिले, मुझे लगता है झटके से चाहे बिहार में हो, दिल्ली में हो या पंजाब में, झटके के बाद भी उन्हें कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ तो संपूर्ण झटका था, यहाँ थोड़ा गुजरात में जो उनका किला है वहाँ पे वो थोड़े कमजोर हुए। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शैली में या उनके सोच में या उनके रणनीति में परिवर्तन की बहुत गुंजाइश तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि चूंकि गुजरात की सबसे अहम है उनका लिए, उनके लिए उनकी सियासत सियासी सबसे वो जड़ है वहाँ पे, तो वहाँ से जो सबक वो लेंगे, क्योंकि 19 की जो चुनौती होगी उनको अब ये समझ में तो उसमें सबक, मुख्य सबक क्या आप मानते हैं कि गुजरात में जो ये पर्सनली दोनों ले सकते हैं? मुझे जो सबसे अहम लगता है कि राहुल कांग्रेस पार्टी को वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनको वहाँ पे गुजरात में जिस तरह की चुनौती पेश की, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम जो मोदी विरोधी ताकतें उसको राहुल गांधी इकट्ठा करके लेके अपने पीछे खड़े कर लिए। इस बात को वो जानते हैं कि ये स्थिति अगर कांग्रेस वहां पे जीत जाती तो शायद स्थिति अलग होती, लेकिन कांग्रेस हार गई है लेकिन इम्प्रूवमेंट के साथ, एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ। तो वो जो चुनौती उनको वहां से मिलने वाली है उसको वो नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि ये मुख्य वहां गुजरात में भी रही चुनौती कि विजय रूपानी की लीडरशिप फेल हुई, एक निराकार चेहरा जैसा मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, ये गलती क्या उन्होंने महसूस की होगी? क्योंकि देखिए, अगर ये गलती महसूस करते हैं तो फिर मनोहर लाल खट्टर, रघुवर दास हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, महंत अपने देवेंद्र फडणवीस हो गए, रावत हो गए, ये सब चेहरे जो निराकार, क्या ये नहीं हो रहा कि एक गुजरात में विजय रूपानी के कारण नरेंद्र मोदी को खून इतना पसीना बहाना पड़ा, तो बाकी आगे जब लोकसभा चुनाव होंगे तो ये दूसरे जिता पाएंगे, ये प्रयोग सफल होगा उनका? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो अपनी सोच अब तक जितने भी नाम लिए, चाहे महाराष्ट्र में, हाँ सब तरफ ये जो उन्होंने बिठाया, उनको ये पता था कि ये वो चेहरे नहीं है जो नरेंद्र मोदी को, चाहे 19 में हो या उसके आगे, नरेंद्र मोदी को कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, ये उनको पता है कि ये तो इसलिए तो मेरा कहना है कि अगर विजय रूपानी या आनंदी बहन को भी सोचा कि हमें ही जिताना है और उसके बाद इतना पसीना बहाना, तो पूरे देश के ऊपर वापस वैसी उतनी मेहनत कर सकना क्या मुमकिन होगा? ये उनकी जो शैली है, उनकी हाँ? जो सोच है, जिस तरह से काम करते हैं, नरेंद्र मोदी को वो सर्वोच्च नेता की तरफ तो रखे हुए हैं, उन्हीं को लगता है कि वही गुजरात में भी, और यहाँ तक कि छोटा राज्य हिमाचल जहाँ धूमल साहब को लास्ट में आके उन्हें करना पड़ा, वहाँ पर भी उन्होंने मोदी जी को ही आगे रखा। तो उनको ये तो मुझे लगता है कि उनकी शैली में कोई बदलाव के संकेत मैं नहीं देख रहा हूँ। उनको ये पता है कि एकमात्र चेहरा है जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनको अगर आप सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करना पड़े। इसके अलावा मुद्दों के स्तर पर, किसान के मामले में, व्यापारियों के मामले में, अलग अलग वर्ग, क्योंकि गुजरात में भाजपा का कोर वोट भी टूटा है, ये उत्तर भारत में कहीं और भी हो सकता है, ये भी क्या चिंता आई होगी इन दोनों में?
अभी जो अमित शाह जी ने कल जो भाषण दिया है उसमें कि उन्होंने कहा कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुआ है क्योंकि जनाधार उनका बढ़ा है, यहाँ तक कि जब वोट फीसद कम भी हुआ है तो उनका मत फीसद उनके पक्ष में जो वोट है वो 49% हो गया है। तो उस नाते ये कि ये तो और ज्यादा उत्साहित है तो वहां से ये अगर इस बात को रियलाइज करते तो ये जो बात कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस पे वोट है, विकास पे वोट है, ये तमाम चीजें ही विकास को जोड़ के देख रहे हैं। जबकि तो इसलिए मेरा मानना फिर अपन ये अर्थ निकाले कि उल्टे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देश दुनिया कुछ भी माने उनकी आत्ममुग्धता और बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़े, क्योंकि जो उनके नैरेटिव जो भाषण उन्होंने दिया है आज भी, जो प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि ये असामान्य विजय है और उस असामान्य विजय के जो जो कारण है वो भी असामान्य उनका नेतृत्व है, उनकी प्रदर्शन है, उनका अध्यक्ष है और असामान्य तरीके जो उन्होंने टीम बनाया है वो है। तो ये जो अगर उसको हम आत्मभोगता की तरफ देखें तो ये तो बढ़ने वाली है, ये और बढ़ेगी, इसमें कुछ हुआ कुछ नहीं। मतलब ये नहीं कि सामूहिक लीडरशिप या जैसे आगे के चुनाव है तो ये राजस्थान में खुद वसुंधरा चुनाव लड़वाए या शिवराज सिंह चौहान लड़वाए, वो नहीं, यही चुनाव लड़वाएंगे, यही उम्मीदवार तय करवाएंगे। जो जो शैली है उसमें बदलाव की या परिवर्तन की कोई गुंजाइश इन शब्दों में, इन बयान में या इससे कोई संकेत तो नहीं मिल रहे। नहीं, लेकिन लेकिन दो बातें, स्थिति नहीं, लेकिन दो बातें, एक कि कुछ भी हो हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल पुराने नेता को लाना या कर्नाटक में येदुरप्पा को फिर कमान देना, प्रोजेक्ट करना, ये इनका एक तरह से पुराने स्थापित नेताओं को महत्व देने का संकेत तो है। अगर वो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जिस मौके पे किया, जब उनको ये लगने लगा हिमाचल में बिल्कुल आखिर के दिनों में, जब उन्हें लगा कि शायद इनसे उनकी जीत सुनिश्चित और हो सकती है, उनकी हार हो सकती है, तब उन्होंने ये फैसला लिया। ये फैसला मजबूरी में लिया हुआ फैसला था, येदुरप्पा को भी लिया जाना उनके नेचुरल चॉइस, नेचुरल शैली का हिस्सा नहीं है। अगर हम उसको देखें तो स्वाभाविक शैली नहीं है उनका ये, जब उन्हें लगा कि ये करना ही पड़ेगा नहीं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना। उस नाते आपका मानना है कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी और 2018 के बाकी चुनाव भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो अपनी ओरिजिनल जो राजनीतिक अप्रोच है उसी अनुसार चलेंगे, उसी अनुसार चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं है। उसमें परिवर्तन और सुधार की गुंजाइश उस पूरे सोच में कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि उन्हें जो लगता है कि ये जो टीम उनकी है जिसके अध्यक्ष अमित शाह है, जिनके मुखिया और सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी है, उनकी जो सोच है वो जो समझते हैं उससे वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक आध झटके के अलावा भी, यहाँ तक कि गुजरात में भी जो झटका है उसको जब वो झटका मानते नहीं है, वो कहते हैं मेरा परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, वोट बैंक बढ़ा है और ये दोहरी जीत है मेरी और ये तमाम बातें जुमले। इससे कहीं ये तो कम से कम संदेश या कहीं संकेत भी नहीं मिलते हैं कि उनकी शैली में, उनकी सोच में, उनकी रणनीति में अब तक जो उनकी रही है उसमें कोई बहुत बड़े बदलाव। हाँ, एडजस्ट कहीं पे करना पड़े तो शायद, जहाँ जैसे उन्होंने हिमाचल में किया, जो उन्होंने गुजरात में कुछ उन्होंने किया, कुछ उन्होंने जाके कर्नाटक में किया, इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट भले ही करें लेकिन वो बदलाव जो है परिवर्तन की, उसकी कहीं कोई किसी तरह के संकेत अब तक मुझे नहीं दिख रहे। जी दिलीप जी, बातचीत यही समाप्त करेंगे, बातचीत के लिए धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।